और आपके घर के सामने ही आ गया। जी हाँ, चलती फिरती चप्पल की दुकान आपके गली आपके मोहल्ले में। चलो मैं चप्पल खरीद के लाती हूँ। इन्हें देखो, मैं आई चप्पल खरीदने, मेरे पीछे पीछे आ गई। अब भैया चप्पल दिखाना। है ऐसी मत दिखाओ, ऐसी दिखा रहे हो, रूडी रूडी से। ले फैंसी सी दिखाओ थोड़ी। फैंसी तो जी हाँ, तो अंदर से दिखाओ ना। चप्पल लेने लग गई, हम ले लेंगे तो कब आते। हाँ तो तुम ले लो, हमने कब रोका है तुम्हें। ले लें दो, तुम रहने दो। अरे तो तुम तो ऐसे लड़ाई कर रही हो मुझ पे। ला मुझे दिखाओ पहले, मैं आई हूँ पहले। पहले मैं आई हूँ। चुप रहो दीदी, ठीक है ना। फालतू की लड़ाई मत ना करो मुझसे। हाँ अच्छी नहीं है। अच्छा ये वाली कितने की है? 100 रुपए की है। 100 की लूटने आए हो यहाँ पे। हाँ। 50-50 रुपए की चप्पल मिलती है। और ये वाली तो तुम बाद में खरीद लेना, जब चीजों को मैं खरीदती हूँ तभी खरीदने आ जाती हो तुम। मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं पहले खरीदूंगी। अच्छा तो हम छोटे तो हर बात में दबाओगे। और क्या? हाँ बड़े हो तो खाना, बड़ी हो तो हम छोटे हैं तो खाना भी खाने भी मत दो हमें। बड़े का लिहाज तो कर लिया करो। हाँ बहुत करके देख लिया, कुछ ना मिला हमें बड़े का लिहाज करके। समझ में आ गई ना? हमें ले लें दो चप्पल। हाँ तो ले लो, मैंने कब मना किया है। पूरी दुकान खरीद के घर में रख लो अपने। जब दुकान तो कोई नहीं खरीद पाएगा। अरे उसमें सामर्थ्य होनी चाहिए, क्यों ना खरीद पाए। 10-12 जोड़ी चप्पल तो खरीद ही लेगा, दुकान ना खरीद पाएगा तो। पैसे तो होने चाहिए खरीदने के लिए। हम पे तो है, तभी तो कह रहे हैं हम, पैसे थोड़ी ना कह देते। बेकार चप्पल है, तुम ही ले लो। हाँ हम तो ले ही रहे हैं, बेकार है तो फिर क्यों देख रही हो तुम इन्हें। रहने दो, देख रहे हैं बस, देखने में भी। दीदी वैसे एक बात है, तुम पे कुछ काम धंधा तो होता नहीं है। बस जो जो चीज मैं खरीदने लग जाती हूँ वो उसी चीज पे हाथ डालती हो तुम। और क्या? हम तो पूरी दुकान खरीदेंगे। अब मैं अपने पति के लिए देख रही थी चप्पल, अब मैं अपने लिए देख रही थी तो तुम भी अपने लिए देखोगी। हम तो अपने लिए देखेंगे। हाँ और जब मैं अपने पति के लिए देखूंगी तो तुम भी अपने पति के लिए देखोगी। देखेंगे। हाँ तो देखो ना भैया, तुम एक काम करो, इन्हीं को दे दो, मुझे बाद में दे देना। दिखाओ इन्हें, दिखाओ, ये जाएंगी वहाँ मॉडल गिरी करने। दिखाओ करके दिखाना। हाँ दिखाओ इन्हें, दिखाओ चप्पल। लेंगी महंगी कुछ ना, तुम्हारा टाइम वेस्ट करवाएंगी यहाँ पे। बस साइज तो होना चाहिए। अरे साइज बड़े दे देंगे, छोटे दे देंगे, तुम तो लड़वे आई हो। हाँ पहन के देख लो, चल के देख लो। हाँ सही है, यही वाली दे दो। हाँ ले ले, पहन के देख लो, चल के देखो, घूम के देखो, उड़ के देखो। लो भैया पैसे, इनसे पहले खरीदारी करूंगी। हाँ। यो बनती है, मेरे ही है हस्बैंड पैसे वाले हैं। हाँ ले ली वो कोई दो कौड़ी की सी चप्पल ने तो है, अब खरीदती रहो। हाँ जाओ तो हम तो ले लेंगे, जाओ खरीद। अब एक काम करो, मुझे ना चाहिए तुमसे चप्पल। हाँ जाओ, मुझे ना चाहिए भैया चप्पल अप्पल। वैसी आई हो घर में लेकर के? वैसी ना आई, तुम्हारे पास चप्पल ही ना कई दिन की, तो कहाँ से ले लूँ मैं। बढ़िया चप्पल है मेरे पास। हाँ रहने दो बस, ये दो कौड़ी का माल लेकर जो घूम रहे हो ना। हाँ बड़ी अच्छी चप्पल है, देख लो भैया। जो नहीं ले रहा था उसने ले ली। हाँ। ये नहीं ले रही है ये ना। अरे तो लेंगे तो तब। अच्छा अच्छा माल तुमने पहले ही सबको लौटा दिया, अब फालतू का माल पड़ा उसे हम क्या ले लेंगे। घर पे आई हो तुम लड़वे। लड़ने ना आई, लड़वे बैठ गई हो। अरे जिस रास्ते पे मैं आती हूँ ना उसी रास्ते पे आ जाती है ये। लड़ो मत। हाँ मुझे ना लेनी, तुमने ले ली बहुत है। ऐसा है तुम ही ले लो चप्पल, ठीक है ना। मुझे ना चाहिए, खरीदो पूरा ठेला खरीद लो। जब देखो मेरे पीछे पीछे चल देती हैं, कुछ काम धंधा करने देती नहीं है, मेरे ऊपर ही 24 घंटे नजर गढ़ा के रखती हैं कि मैं कर क्या रही। कहाँ जा रही हो दीदी? चप्पल रखने। हाँ जाओ घर में सजा के रख लेना इन चप्पलों को, ठीक है ना। खाने की वजह इन्हीं को सजा के दे देना। हाँ तो पहनो, खूब पहनो, ओढ़ो ना जरा। मुझे तुमसे कुछ काम है। नहीं मुझे नहीं आना अब, काम है मुझे कुछ। इधर आओ जल्दी। हाँ बताओ। इधर आओ ना, उधर से बात करोगी जैसे कि हम जेल में खड़े हैं। मुझे मेरी गाय का बंटवारा चाहिए बस। तुम भी दूध पीती हो, मैं भी पीती हूँ। हाँ ऐसा है, छोटी की तरह रहो। अच्छा नहीं मिलेगा बिल्कुल बंटवारा। क्यों ना मिलेगा? मैं कौन होती हूँ बंटवारा करने वाली, भैया से लो अपने से। देखो दीदी अब बहुत हो गया, एक तो तुम्हारे कुत्ते मेरे घर में जो आ जाते हैं, अपने कुत्तों को कंट्रोल करो जरा, ठीक है ना। लैट्रिन और करवाऊंगी। अच्छा हाँ, तो इसका मतलब तुम बहस कर रही हो है? रोक लो। और क्या? रोक लू किसी दिन टांग तोड़ दूंगी, इतना ध्यान रख लेना। रोक के दिखा देना। टांग तोड़ दूंगी, रोकने की बात कर रही हो? तोड़ पाओगी? ऐसा है अब तुम जो है अपनी इसका गाय का बंटवारा करो, पीछे का हिस्सा मुझे चाहिए और आगे का तुम ले लो। अच्छा अच्छा, हम दूध नहीं पियेंगे, तुम दूध पियोगी। और क्या, वैसे इतनी मोटी हो रही हो, क्या करोगी दूध पी के? अब मैं मोटी हो रही हूँ तो तुम्हें इस बात पे भी जला नहीं, ये बताओ है? और क्या?
मैं कितनी भी मोटी हूँ तुम्हारा थोड़ी ना खा रही हूँ, खा तो अपने आदमी का रही हूँ। अरे हम खाएंगे। सही कह रही हो, हमारी गाय है, हम पहले आए थे। तुम जलती हो मेरे इतने बड़े कारोबार को देख के। हाँ छोटी हो तो छोटी की तरह क्यों नहीं रहती हो? छोटी लड़ाती रहती। तुम मुझे ये बताओ, मैं छोटी हो तो तुम मुझे हमेशा दबा के रखोगी और क्या है? छोटी तो छोटे, जिस दिन से मेरी इस घर में शादी होके आई है ना, तुमने मुझे एक मिनट भी चैन नहीं लगने दिया। तो छोटे तो दबके रहते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है, वो पुराने जमाने थे, ये आपके जमाने में कोई दबके नहीं रहता दीदी। अच्छा। इतना ध्यान रखना। तो बड़े का कहना तो मानते हैं। कहना मानते हैं। नहीं मानती हूं। कहना मानते जो जायज हो, नाजायज कोई नहीं मानता, ठीक है ना? मानना पड़ेगा। मैं ना मानने की हूँ, ठीक है ना? तुम अपना अलग रह रही हो इसीलिए दीवार लगवाई है हमने, ताकि तुम मुझे ना देख सको, मैं तुम्हें ना देख सकूँ। क्यों ना मिलेगा दूध पीने के लिए? मिलेगा। उसकी सानी वगैरह ये सारा तुम करके जाती हो, सुबह से शाम तक उसकी हिफाजत में जो लगी रहती हूँ मैं। हाँ 5 बजे उठ के तो हमारे लिए बड़ा नाश्ता डिनर लगा के लाती हो तुम, बड़ा एहसान करती हो। तो खरीदिए तो क्या एहसान कर दिया? हाँ तो पीती ना हो तुम, थोड़ी सी सेवा कर लोगी जेठानी की तो क्या हो गया? हाँ बस करके देख ली जेठानी की। ऐसा है मैं जा रही हूँ अभी तुम्हारी उसको गाय को खोल के जंगल में भेजूंगी उसे। अब खो जाए कोई ले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं जा सकती। हाँ। अरे तुम छोड़ो, मैं जाऊंगी। कैसे? तुम रोक के दिखाना मुझे। मैं रोक के दिखाऊंगी। हाँ तो आ जाओ मेरे भी। हाँ तो तुम्हारा तो नाम पड़ रहा है, गुड बाय आया ना तुमने उस पर गाय। मैं देखूंगी, देखूंगी, देख ली है अब। हाँ तो आ जाओ, तुम्हारी है तो ले जाओ ना अपने घर। ऐसा है दीदी, इसके पास जाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा सिखा पढ़ा के तैयार कर दिया है, इसे तुम्हें पास भी ना आने देगी। आ जाने देगी। इधर चलो, ये मेरी गाय है, तुम इधर नहीं आ सकती। क्यों दीदी ऐसे? हाँ। क्यों कह रही हो तुम? तुम इसका दूध भी नहीं काट सकती हो। क्यों ना काट सकती? ये मेरी गाय है, मेरी खरीदी हुई है। तुम्हारी खरीदी हुई है, हिस्सा दोनों का बराबर का है इसमें। ऐसा है, हिस्सा दोनों बराबर का है इसमें, ठीक है ना? जी नहीं, ये मेरी गाय है। अच्छा हाँ। तुम्हारी गाय इसकी इतनी केयर करता कौन करता है ये बताओ? मैंने खरीदी थी ये गाय। खरीदने से कुछ नहीं होता दीदी, हिफाजत भी करनी पड़ती है किसी चीज की। तो हम काटते हैं इसका। रुक जाओ, तो एक बूंद नहीं निकलेगा। मैं तुम्हारे देवर को ही बुलाती हूँ, अब मुझसे तो तुमसे लड़ा नहीं जा रहा। अरे कहो जी, इधर आना जरा। मैं नहीं डरती। हाँ बुला, तू ना डरोगी जब हम जी जी से डरते हैं तो। जब हमारी खरीदी हुई है तो। देख लो तुम्हारी भाभी कैसे लड़ाई कर रही है मुझसे। क्या क्या बात है भाभी? अरे ये गाय है हमारी, क्यों कह रही है आधा हिस्सा दे दो, कैसे दे देंगे हम? आधा हिस्सा क्यों मांग रही है? अरे मैं इसलिए मांग रही हूँ, तुम पागल हो गए हो? बताना, ये बताइए, इन पे इतनी सारी प्रॉपर्टी है, 20 लीटर दूध देती है, अगर 10 लीटर दूध मैंने ले लिया तो ये भी उनको नहीं रास आ रहा। नहीं तो भाभी ये बात तो सही है, वैसे देखो आधा तो बनता है। देखो तुमने जमीन में, देखो तुमने कही कि आधा तुम ले लो आधा हम ले लो, तुमने आधा बढ़ती थी आधा हम बढ़ते लेते हैं, अब गाय में से आधा मांग रही है तो कौन सी बुराई की बात कर रही है? और क्या ये बात है, इसके नीचे बैठ के दूध निकालो तब लेना आधा, ऐसे कैसे मिल जाएगा आधा बिना निकाले? चलो मान तुम काट लो, एक टाइम ये काट लिया करेंगे। अरे पागल हो, मुझे धार काटनी नहीं आती। पीना तो आता है, 5-5 लीटर दूध तो तू यूं ही पी जाती है, आज काटने की बात आई तो तूने मना कर दी तुरंत है। पागल हो, मैं इनसे ये कह रही हूँ तुम खाली दूध काट लिया करो। हा? मैं गाय की सानी वगैरह सारा करती तो हूँ। ये भी बात सही है, खाली तुम दूध काटने आ जाया करो। नहलाओ, बहुत काम होते हैं, दूध भी निकालो। ये भी बात सही है। अरे तो नहलाई नहीं थी पिछले महीने? पिछले महीने? अरे हफ्ते में एक बार नहलाते हैं बेवकूफ, तू तो रोज नहा लेती है, इसको क्या इसको रोज नहाना नहीं पड़ता? ये जानवर नहीं है, फैशन से फुर्सत मिल जाए। अब लो, ऐसा है अपनी भाभी की तरफ बोलने की जरूरत नहीं है। भाभी की तरफ नहीं, मैं हूँ तेरी तरफ। भाभी की तरफ तो मैं थोड़ा सा इसलिए बोलना पड़ रहा है, देख ऐसा है, भाभी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं तेरी तरफ हूँ। अच्छा हाँ, उन्हें बिल्कुल लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लगने दो उन्हें। देखो भाभी जी ऐसा करो, देखो इस बात को छोड़ो, ऐसा करता हूँ इसको मार ले जाता हूँ कट्टी घर। नहीं तो गाय को मारना पाप होता है। नहीं ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन बात तो आप दो, इस समय तो आप दोनों पापी बन रही है। नहीं दूध ये हमारी गाय है और हम निकालते हैं दूध इसका और हम नहीं देंगे। तो देखो भाभी जी, देखो 20 लीटर दूध है, 20 लीटर में से अगर आधा ये ले लेगी तो कोई दिक्कत थोड़ी। देखो 5 लीटर तो अकेले चाहिए इसको। देखो हम दूध अपने आप दे देते हैं। अब क्या बकवास कर रहे हो तुम? तारीफ कर रहा हूँ तेरी, पागल, सब लोगों को पता तो चलना चाहिए कि मेरी बीवी कितना खाती है। पागल हो गए हो? अरे नहीं नहीं भाभी से तारीफ। अरे मुझे मेरी तारीफ कर रहे हो, कमियां गिनवा रहे हो? नहीं कमियां नहीं, तारीफ है तेरी। अबे पागल, ज्यादा खाने वाले आदमी से सामने वाला आदमी। अब मुझे ये बताओ इसका करना क्या है? करना क्या है, ऐसा करो आधा लीटर दूध, मतलब 10 लीटर इनका, 10 लीटर तेरा। हाँ ठीक है। अरे वो उसमें भी राजी नहीं हो रही है। हम तो राजी हो जाए, निकालते तो हम है, ताकत तो हमारी खर्च होती है। सानी कौन करता है ये बताओ? नौकर आते हैं तुम्हारे घर में? क्या है, पानी डाल दिया ऐसे वो। हाँ गोबर कौन उठाता है इसका? ये बात निकालने में ताकत तो लगती है। अच्छा भाभी जी मेरी बात सुनेंगे एक छोटी सी? देखो बात तो इसकी भी सही है, देखो ये सानी करती है सुबेरे, देखो नहलाती नहलाती तू
पिछले महीने निलाई थी। नहीं नहीं, हफ्ते में एक बार निलाना आप। हाँ ठीक है ठीक है, हफ्ते में एक बार निलाएगी, सानी ये करेगी, सुबह की सानी इसकी और शाम की सानी भी इसकी। अरे फैशन करने से फुर्सत मिल जाए। देखो फैशन के लिए तो तुम दे रही हो मुझे लाके, और क्या हम ही तो दे रहे हैं। हाँ, जिस दिन दे देती उस दिन कहती। अब क्या करना है तुम दोनों, क्या करूं अब इस गैया को मैं बेच आऊं फिर? मैं चाहती हूं इसमें से हिस्सा होगा। तेरी बुद्धि खराब हो गई है, बाबा बुलडोजर वाले बाबा है ना, जेल में सड़ा देंगे, शकल भी देखने को नहीं मिलेगी महीने छह महीने। पाएंगे, मैं ये चाहती हूं हिस्सा हो जाए, काटना नहीं है इसको। तो फिर हिस्सा हो जाए। देख हिस्सा पीछे का हिस्सा मैं ले लूंगी, आगे का ये ले लेंगी। फिर बात तो मर तो जाएगी ना ये। अरे नहीं मरेगी ना। कैसे? अरे पागल हो तुम, मेरे कहने का मतलब है ये इसको सानी खिलाती रहेंगी। ठीक है, मतलब इधर का हिस्सा इनका, ठीक है, इधर का हिस्सा मेरा। दूध तू काटती रहेगी। हाँ? गोबर तू लेती रहेगी। गोबर जैसी बुद्धि वाली औरत कैसी बातें करती है, एक बात बता। पागल हो गए हो क्या, ऐसी बातें कर रहे हो अपनी भाभी के सामने? एक टाइम भी दूध नहीं निकलेगा। हाँ, निकाल के देखो जरा। वो ऐसा मुझे आता नहीं है दूध निकालना, इसीलिए मुझे इनकी सुननी पड़ रही है। भाई तुम दोनों की झिकझिक से मैं तो आ गया परेशान, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करना। बड़े भैया आ रहे होंगे, बड़े भैया जो कहेंगे बड़े भैया के हिसाब से कर दूंगा। मेरी राय से हाथ मत लगा देना बिल्कुल भी। अब देख लो तुम्हारी भाभी कितना बोल रही है। देखो तुम बड़ी है, देखो तुम ही समझ लो, इसने अगर ये छोटी अगर दो टुक ज्यादा कोई सामान ले ले, तो मैं दूध निकाल के दे देती हूं, उसमें सबर नहीं हो रहा। कितना दूध दे रही है ये? पानी मिला के दे दी उस दूध में। ऐसे ही मोटी हो रही है, गाढ़ा गाढ़ा दूध तो खुद पी जाती है। कितना दे रही है दूध? दस किलो देती है, पाँच किलो पानी मिला के देती है। नहीं है ऐसा नहीं है। अरे तुम चुप रहो, तुम्हें पता है मुझे पता है। इतनी खराब नहीं है यार, ये तो तू यार बेकार की बात कर रही है। बेकार की बात नहीं कर रही, दूध तो मैं गर्म करती हूँ। मिल जाता है ना टाइम से, तो वो ऐसे ही बातें बनाता है बस। अब देख लो। अच्छा तुम्हारी मर्जी क्या है? बातें बनाने से फुर्सत नहीं है। अच्छा भाभी की मर्जी तो पूछ लूँ एक बार। इनकी मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी चलेगी मेरी। यार ये तो यार बेतुकी बात हो गई, तुम ना मेरे सर में दर्द कर रहे हो दोनों जने मिलके। जी हां, तुम्हें किस लिए बुलाया था, इनकी वकालत करने के लिए या मेरी वकालत करने के लिए? मैं वकालत तेरी कर रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। भाभी वकालत मेरी कर रहे हो लेकिन साइन तो उनके कर रहे हो। भाभी है माँ समाने, ऐसे नहीं बोलते हैं, समझा कर। आऊंगी तुम्हारी, आगे चल के प्रॉपर्टी भी देखनी है ना भाई। अरे तो प्रॉपर्टी का हिस्सा हो तो गया, और कितने और क्या करोगे तुम? सोच रहा हूँ थोड़ा सा और देख लूँ। अरे ये ना देंगी। अरे दे देंगे, ऐसी बात नहीं है, कहीं ना देने की है। अब क्या करना है भाभी जी? ऐसा करो तो फिर आगे से गैया को तुम बांध लो अपनी तरफ, पीछे से गैया हमारे यहाँ बंद जाएगी, एक दीवार के बीच लगवा देने। टाइम भी दूध नहीं निकलेगा इनसे। नहीं दूध मैं निकाल लूंगा, दूध की चिंता तुम मत करो। दूध तो ये निकाल लेंगे तुम्हारे लिए, और क्या। गाय तो मेरी खरीदी हुई है, पैसे दे दो। कितना चाहिए तुम्हें पैसा? एक मिनट रुक जाओ जी। एक लाख की गाय है। हाँ? एक लाख की गाय? वो तो हम नहीं ले आएंगे, बहुत महंगा टाइम चल रहा है। एक लाख की गाय ना, पता पड़ जाएगी भाई। एक लाख की गाय, एक लाख में तो दो भैंस खड़ी कर दूंगा जैसी। क्या कह रहे थे अभी? मैं तारीफ कर रहा था तेरी, मैं ये बताना चाहता हूँ लोग बागों को कि मेरी वाइफ कितनी तंदुरुस्त है। हाँ वो तो दिख रहा है, नहीं सबको दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना, बताना जरूरी है। भैया को बुलाओ तुम। भैया? हाँ। अरे बुला लो किसी को, मैं क्या डरती हूँ। लो अपने पति को कह रही मैं, ये था, इसे घुरा रही है। और क्या? हाँ। मैं किसी से नहीं डरती। अरे रामू भैया, रामू भैया, अरे नाम तो ऐसा ले रखा रामू। क्या बात है, क्या बात है भाई, कैसे कैसे हाय कर रहे हो तुम लोग? तभी से तो खड़ी। अरे मैं ऐसे ही खड़ी होती हूँ। ऐसा है वो चक्कर ये था भैया, मैं कहना तो नहीं चाह रहा था भैया, ये गैया है। हाँ। अब ये क्या कहते हैं हम दोनों के हिस्से में, देखो जमीन जायदाद में ऐसा तो हो गया जैसे तुमने कही मैंने मान ली। ठीक। अब सोनिया का कहना ये है कि ये गैया का आधा हिस्सा तो इसका हो जाए और आधा हिस्सा भाभी का। हाँ वही हम चाह रहे हैं। पागल भागल हो गए तुम लोग, क्या बात है? पागल हम नहीं, आपकी धर्मपत्नी हो गई। नहीं ये क्यों हो गई पागल? हम दूध निकाल के देते हैं। हाँ। फिर भी पागल है। हाँ। इनको मिल जाता है ना पीने के लिए। बात तो यही है कि तुम लोगों को समय से ये सब चीज मिल रही है ना, तुम लोग गए हो बोरा है। बोरा में गए भैया। आप एक बात बताओ, ये बेचारी खुद भैंस जैसी इसकी सानी करती है रोज रोज सुबह। तारीफ करता हूँ, ये सानी करती है रोज रोज सुबह शाम दोपहर की, तीनों सानी इसकी है। ठीक है, तीनों सानी इसकी होने के बाद भैया अभी भाभी का कहना ये है कि इसका आधा हिस्सा भाभी का हो जाए। हाँ। और आधा हिस्सा इसका हो जाए, तो ये भाभी यूं कह रही है कि सानी तुम करो दूध हम काटेंगे, ये कौन सा तरीका है? नहीं अच्छा तुम पे दूध काटना आता है? नहीं आता है? नहीं ये तो डर लगता है कि मतलब ये वो लात मार देगी कि ये कर देगी। सही बात है, सही बात है। मतलब कि तुम्हें चाहिए बंटवारा क्योंकि तुम दूध नहीं काट पाते हो। अगर तुम दूध काट पाते तो तुम बंटवारे की नहीं बोलते। बंटवारे? देखो भैया ऐसा है। हाँ। इसमें हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। भाभी सुबह जब दूध काटती है तो 20 लीटर दे रही है ये दूध। अच्छा। अब 20 लीटर में से भाभी 5 लीटर में 5 लीटर पानी मिला के दे रही है, ये कौन सी अच्छी बात है? अच्छा एक बात बताओ, कौन सा ऐसा दूध है जिसमें पानी नहीं मिला होता? तो तुम तो जानबूझ के मिला रहे हो भाई, 10 लीटर आ रहा है इससे, मैं तो आधा कर दो ना सीधा सीधा हिसाब। भाई हमारे पास एक ही गाय है और हम सब एक ही गाय का दूध पीते हैं, हमारे पास कोई हजारों की तादाद में तो गाय है नहीं। तो तुम तो पैसे वाले।
ले, दूसरी नहीं, दूसरी ले लेना। तो ये भी तो हमारी खरीदी हुई है, हम कैसे दे देंगे? तो भाभी जी देखो ये तो तुम खरीद लो ना दूसरी। अब तुम कुछ भी कहती रहो, देखो हमें नीचा दिखाने को तुम कुछ भी कहती रहो। गाय नहीं, गाय की तो तुमने तुरंत हाँ कर दी भैया कि गाय हम ले लेंगे। अब ये देखना टुक टुक पूरे दिन टुक टुक यहाँ पे पड़ा रहता है और पूरे दिन हमारे घर पे घुरता रहता है। तो ये बताओ ये टुक टुक किसका हुआ? तो तुमने एक भी बार निकाह का टुक टुक को रख लू। अच्छा, और टुक टुक एक लीटर दूध पीता है जब सुबह रहे, इसका कटोरा भर के एक लीटर का सुबह रह जा रहा है, एक लीटर का शाम को जा रहा है, तो टुक टुक के लिए दूध कहाँ से आए? अरे तो भाई दूध पिलाएंगे तुम्हारे यहाँ लैटरिंग करने के लिए, तुम लैटरिंग सुनो क्योंकि तुम्हारी जीप जगह। सुनो सुनो सुनो, बात वो नहीं है, बात तो ये है कि टुक टुक तो पूरे घर की रखवाली करता है, ऐसी बात नहीं है कि ये हमारे पास ही रहता है तुम्हारे पास। दूध पिलाना भी तो अपने पास ही रखो, अपनी रखवाली के लिए। हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास दूसरी टुक टुक है। ये बहुत ज्यादा बोल रही है, ये बहुत ज्यादा बोलने लग गई है, तो इसकी जबान बंद करा ले, मैं बता रहा हूँ। सही कह रही हूँ। और रिक्शे की बात आती है, मैं कहता हूँ रिक्शा जब मैं यार ढोके लाता हूँ इस रिक्शे पे, जब आपसे मैंने कही थी कि हफ्ते में तीन दिन आपने यार लिया, तीन दिन मैं ले आऊंगा, इतवार वाले दिन तो कोई भी लिया, कुछ नहीं मिल रहा है, मारेंगे नहीं। जब तू ऐसी काम करेगा कि तू बंटवारा की ये वो, अरे तू भाई है मेरा, हमारे माँ बाप ने ये सब चीज हमारे लिए रख रखी है, और वो माँ बाप तो मर गए। अरे वो मर गए तो, पर कह के तो ये गए थे कि बेटा तुम दोनों भैया मिलके एक साथ करना है, साझे में रहना। अब ये तो नहीं कह गए थे कि ये भैंस का, आज तो चल भैंस की चल रही है, कल को तो तू ये भी कहेगा कि भैया ऐसा है तुम इस घर में क्या करोगे, रहकर तुम्हारे पास तो पैसा बहुत है, तुम और खरीद ले। हाँ, बात सही है। आज भी तो कल तो ये बात कहनी थी मुझे। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, क्या बात। अब देखो सुनो भैया, मैं कुछ नहीं जानता, सुन लो मेरा हो रहा है दिमाग खराब। तू हो गया गुलाम, मैं सच बोल रहा हूँ, गुलाम हो गया तू। एहसास सुनो मेरी बात, बदमाशी तो चलेगी नहीं यहाँ पे, मुझे चाहिए आधा हिस्सा, 10 लीटर दूध, 10 लीटर दूध के बाद आधी जमीन, और आधी जमीन के बाद आधा रिक्शा। अच्छा। स्टेपनी एक तरफ की मुझे, एक तरफ की तुम्हारी। हाँ। और आगे के पहिए में देख लेंगे हमें क्या करना है। अच्छा, हाँ मुझे पता, तू सिखा रही है सब इसे। हाँ, तुम्हारी बहू नहीं सिखाती तुम्हें, तुम्हारी औरत नहीं सिखाती तुम्हें, तुम भी तो चोरू के गुलाम हो रखे हो। मैंने कहा था इससे शादी मत करो, इसकी मत करो, मैं तो उसी दिन टूट वाला था शादी। खुद भी चोरू के गुलाम है, बंधे हुए हैं पल्लू से। और क्या, हाँ सुन लो, पैर छू लो इनके, पैर छू लो, और क्या, हवाई छू लो, हवाई छू लो। ऐसा तू छोड़, चल इन लोगों से लड़ना ही बेकार है, गैया की बात है, मैं देख लूंगा इन्हें अपने आप। देखो ये है आजकल की पड़ी हुई, ये है ना घर को बिगाड़ रही है, इन्हें हिस्सा बंटवारा, बस रोज हिस्सा बंटवारा, सोने के सिवा फुर्सत नहीं है इनको, और रोज डेली यही ड्रामा होता है इनका। मैं क्या करूं भाग्यवान, क्या करूं, मैंने उससे कहा, समझाया उसे, बैठा के समझाता हूं मैं डेली, ये समझ ले ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन मैं नहीं समझाता, पर भाई क्या करूं, मानता ही नहीं है। दो पैसे की इसके दिमाग में एक ही मतलब वो खिचड़ी पक रही है, जिससे जो उसने बहू ने इसको पढ़ा लिखा दिया है कि तुम अपने भैया से आधा आधा हिस्सा कर लो, अब हम आधा हिस्सा अपने पास रखेंगे, और भैया क्या, भैया तो आगे जा। अरे एक बात बताओ, इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि भैया भी तो भाई बड़ा हूं मैं घर का, तो मैं भी किसके बारे में सोचूंगा, अपने छोटे भाई के बारे में। पर उसे कुछ चिंता नहीं है इस बात की, वो क्या समझेगा, क्या समझेगा वो, माँ बाप ने कहा कि तुम दोनों भैया एक पास रहो, साझे में रहो, पर नहीं नहीं मिलेगा। मैं हिस्सा तो नहीं करने दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं ना तो इस घर में से, ना कोई भैंस, ना कोई रिक्शा, ना कुछ किसी में से भी कोई भी हिस्सा नहीं होगा। हाँ ये वाली बात है कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊं या मैं ना रहूं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, उसके बाद चाहे ये बेकें कुछ भी करें। तो दोस्तों हमने ये छोटा सा नाटक आप लोगों के लिए तैयार किया था, गाय का बंटवारा, क्योंकि कुछ घरों में आजकल ऐसा होने लगा है कि छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में लोग लड़ने लगे हैं। तो ये तो हमारा एक सीन था कि हमने आप लोगों को ये जागरूक किया कि इन छोटी छोटी बातों पर लड़ना बंद करें और अपने परिवार में घुल मिल कर रहें, क्योंकि परिवार से अच्छा सुख कभी जीवन में कहीं नहीं मिल सकता। तो सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।